हेलो एवरीवन बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एंड जीके मेरा नाम मोनिका टिकरिया है और आज मैं आप लोगों से यू पी जूनियर इंजीनियर एग्रीकल्चर सॉल्ट पेपर 2020 डिस्कस करने वाली हूँ वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर भी कर लीजिए देर इज एन इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग कम्प्लीट नोट कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एग्रीकल्चर पार्ट अगर आप इस ई e बुक को बाय करना चाहते हैं तो आपको सेवन नाइन नाइन रुपीज फोन पे ऐप से इस वॉट्सएप नंबर पर सेंड करना होगा इस ई e बुक में आपको क्वेश्चन बैंक इंक्लूडिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पी डी एफ फॉर्मेट वीडियो लेक्चर्स पर सी सी आई एग्जाम के साथ साथ सम स्टडी मटेरियल फॉर मैथ्स, रीजनिंग जी के जी एस इंग्लिश पार्ट भी प्रोवाइड कराई जाएंगी तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं हमारे से। थर्मल एफिशियंसी ऑफ डीजल इंजन वेरिज फ्रॉम थर्मल परसेंटेज ऑफ हीट एनर्जी ट्रांसफॉर्म इन टू वर्क डीजल का कितना होता है थर्टी टू टू थर्टी एट परसेंट और वहीं अगर पेट्रोल का पूछे तो इसका आंसर होगा ट्वेंटी फाइव टू थर्टी टू परसेंट डीजल इंजन की थर्मल एफिशिएंसी ज़्यादा होती है एज़ कंपेरिजन टू पेट्रोल इंजन नेक्स्ट क्वेश्चन थर्मोस्टेट ऑफ अ डीजल ट्रैक्टर कूलिंग सिस्टम ओपन फुली बिटवीन थर्मोस्टेट क्या है ऐसा कंपोनेंट है जो टेम्परेचर रेगुलेट करता है आईसी इंजन में ओपन का मतलब है मतलब ये कब स्टार्ट करता है अपना कूलिंग सिस्टम को टेम्परेचर क्या होगा एटी एट टू नाइनटी डिग्री सेंटीग्रेड नेक्स्ट क्वेश्चन रिकमेंडेड इंफ्लेशन प्रेशर फॉर फील्ड वर्क ऑफ ए ट्रैक्टर रियर टायर इज इंफ्लेशन प्रेशर मीन्स जब टायर में फुली फिल्ड विथ एयर जब टायर फुली फिल्ड विथ एयर होगा तब हमारा रियर टायर का रिकमेंडेड प्रेशर कितना होगा होना चाहिए मतलब कि वो अच्छे से फील्ड वर्क कर सके उसके लिए तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा नाइनटी किलो पास्कल जैसे आप इस फोटो में देख सकते हैं ये वाला फोटो है प्रॉपरली इन्फ्लेटेड तब आपको ट्रैक्शन के लिए जो सरफेस मिलता है वो ज्यादा मिलता है और अंडर इन्फ्लेटेड और ये है ओवर इन्फ्लेटेड यहाँ पे आपको ट्रैक्शन का सरफेस जो है वो कम मिलता है इसलिए जब भी फील्ड वर्क करें तो उसमें आपका रिकमेंडेड इन्फ्लेशन प्रेशर चेक करके ही करना चाहिए और रियर टायर मीन्स बैक टायर पीछे का टायर पीछे के व्हील्स को बोलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन द बैटरी शुड बी रिचार्ज वेन इट्स इलेक्ट्रोलाइट स्पेसिफिक ग्रेविटी फॉल्स बिलो तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी वन पॉइंट टू स्पेसिफिक ग्रेविटी

इन आईसी इंजन द टरबाइन चार्जर इज ड्राइवन बाई डिवाइस है जो कि इंटरनल कम्बेशन इंजन की एफिशेंसी बढ़ाने के लिए यूज करते हैं तो इसको मोटिवेट कौन करता है एग्जॉस्ट गैस द करेक्ट ऑप्शन इज बी नेक्स्ट क्वेश्चन द ऑयल प्रेशर इन पंप वेरीज फ्रॉम ऑयल प्रेशर पंप का कितना होना चाहिए इट मेंटेन्स एज न फिफ्टी डैश टू हंड्रेड के जी पर सेंटीमीटर स्क्वायर ऑयल प्रेशर क्या करता है मतलब इन आईसी इंजन को सफिशिएंट अमाउंट में लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग पंप इज यूज इन हाइड्रोलिक सिस्टम हाइड्रोलिक सिस्टम क्या है जब हम जो भी हैवी इंप्लीमेंट्स अटैच किए हुए ट्रैक्टर से उसका डेप्थ को कंट्रोल करता है या फिर उसको ऊपर उठाने या नीचे करने में हेल्प करता है तो ये पंप जो है उसी को फ्लूड प्रोवाइड करते हैं हाइड्रोलिक सिस्टम को तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी ऑल ऑफ देम। नेक्स्ट क्वेश्चन एयर फ्यूल रेशियो बाय वेट इन द कंबशन ऑफ गैस तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी सेवनटीन पॉइंट थ्री रेशियो वन

Through the soil is called as draft. मतलब जो भी टीलेज इम्प्लीमेंट को खींचने के लिए एनर्जी हमको लगती है उसको बोलते हैं ड्राफ्ट तो किस पे डिपेंड करता है सब में प्लाउ डेप्थ ऑफ द प्लाउ कंडीशन ऑफ सॉइल तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी ऑल ऑफ द अब नेक्स्ट क्वेश्चन डेप्थ ऑफ प्लोइंग कैन बी एडजस्टेड बाई डेप्थ ऑफ प्लोइंग किससे एडजस्ट किया जाता है द करेक्ट ऑप्शन इज ए वर्टिकल सक्शन और वहीं पे हॉरिजॉन्टल सेक्शन से साइड थ्रस्ट को मेंटेन करते हैं या फिर बोल सकते हैं विद टॉप द फरो नेक्स्ट क्वेश्चन ड्राफ्ट ऑफ अ प्लाउ कैन बी रिड्यूस्ड बाय मतलब ड्राफ्ट जो भी हम लोग को पुल करने में टीलेज इम्प्लीमेंट को पुल करने में जो एनर्जी लग रही है उसको रिड्यूस कैसे कर सकते हैं बाय रिड्यूसिंग द क्रॉस सेक्शन ऑफ द फरो Next question. Most suitable dryer for cereal grains. The correct option is B. Rotary dryer. Next question. Desirable temperature for grape storage. The correct option is A. Minus 1 to 0 degree centigrade. Next question. Adiabatic steady flow occurs in. The correct option is B. Condenser. नेक्स्ट क्वेश्चन इन मॉडिफाइड एटमोस्फेरिकेशन मॉडिफाइड क्या करते हैं जो 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 होता होता है packaging का जो, अंदर का जो air होता है का का अंदर उसको हम लोग चेंज कर देते हैं तो किस किस चीजों से हम उसे चेंज कर सकते हैं यहाँ करेक्ट ऑप्शन होगा ऑल ऑफ द अबव मीन्स बाय लोवरिंग ऑक्सीजन एडिंग नाइट्रोजन या इंक्रीजिंग सीओ टू से और ये सब ऐसा करने से क्या होता है कि उसमें रेस्पायरेशन रेट जो होती है वो कम हो जाती है फ्रूट्स या वेजिटेबल्स की नेक्स्ट क्वेश्चन ग्रेन ड्रायर डेवलप्ड एट लौशियाना स्टेट यूनिवर्सिटी इस टाइप ऑफ तो उसका करेक्ट ऑप्शन है बी कंटिन्यूस कंटिन्यूस में क्या होता है फ्लोइंग ऑफ जो भी ग्रेन्स है वो कंटिन्यूस होता है स्टॉप नहीं होता नेक्स्ट क्वेश्चन ग्रीन मॉइस्चर एट द टाइम ऑफ प्रोक्योरमेंट इज मेजर्ड बाई प्रोक्योरमेंट प्रोक्योरमेंट मतलब जैसे ही हम लोग परचेस करने जा रहे हैं जो भी ग्रीन है उसको परचेसिंग के टाइम या फिर बिजनेस डील के टाइम तो उस टाइम जो ग्रेन मॉइस्चर मेजर करते हो किससे करते हैं द करेक्ट ऑप्शन इज डी डाइलेक्ट्रिक मैथड नेक्स्ट क्वेश्चन

Next question a cyclone separator is used for separating it is used to remove fine particles from a solids the correct option is b next question butter is largely packed in laminated aluminium foil aluminium foil ka thickness the correct option is b 9 micrometer next question angle of repose for wheat grain falls in the range of angle of repose yes, जब हम लोग स्टोरेज करने के लिए या फिर किसी भी चीज के लिए जब उसको फ्लोर में ऐसा हीप बना के रखते हैं तो इस टाइम क्या होता है ये अभी कांस्टेंट है अभी कोई भी फ्लो नहीं हो रहा है तो ये जो सबसे स्टीपेस्ट पॉइंट होता है उसका और जो हॉरिजॉन्टल सरफेस में जो एंगल बन रहा है इस एंगल को क्या बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज तो फिर ये क्स्ट क्वेश्चन डिजायरेबल टेम्परेचर फॉर ओनियन स्टोरेज इज द करेक्ट ऑप्शन इज जीरो सेंटीग्रेड नेक्स्ट क्वेश्चन हाइपर बैरिक स्टोरेज इज ऑल्सो नोन एज हाइप स्टोरेज मतलब कूल स्टोरेज सिस्टम है ये इसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन का लेवल हम कम कर देते हैं ताकि जो भी रेस्पायरेशन रेट वगैरह है सॉइल मतलब सॉइलबल जो भी फ्रूट एंड वेजिटेबल्स की वो कम हो जाए तो ये कौन सा सिस्टम है इसको और क्या बोल सकते हैं लो प्रेशर स्टोरेज Next question. Ice melts into water at a constant temperature of 273 Kelvin. This absolute temperature is 273 Kelvin. Ko. So the volume, the correct option is B, decreases. Next question. Kinetic theory of gases at the collision of molecule is? जब हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस स्टडी करते हैं तो उसमें जो भी हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि जो भी मॉलिक्यूल्स जो है वो उनका कोई भी एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है नो एनर्जी लॉस इसलिए उसका इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए परफेक्टली इलास्टिक नेक्स्ट क्वेश्चन टोटल हीट ऑफ सब्सटेंस इज आल्सो नोन एज टोटल हीट को क्या बोलते हैं टोटल हीट ऑफ अ सब्सटेंस उसको क्या बोलते हैं एंथैल्पी एंट्रोपी मींस क्या होता है द अमाउंट ऑफ एनर्जी अनएवेलेबल टू डू वर्क एंट्रोपी का कोई काम नहीं होता मतलब ये एनर्जी जो लॉस्ट हो जाती है एनवायरनमेंट में उसको एंट्रोपी बोलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ऑटो साइकिल रिफर्स टू ऑटो साइकिल किस में चलता है आईसी इंजंस में तो ये किस कौन से मेथड पे डिपेंड करता है कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल ऑप्शन करेक्ट होगा टू स्ट्रोक इंजन में तो उसमें करेक्ट ऑप्शन क्या होगा ए कंप्रेशन रेशियो इज लेस तो कंप्रेशन रेशियो क्या होता है इट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ चार्ज एट द बिगनिंग ऑफ द कंप्रेशन स्ट्रोक टू दैट एट दफ द कम्प्रेशन स्ट्रोक मीन्स जब कंप्रेशन स्ट्रोक में टाइम जो पिस्टन के अंदर का जो वॉल्यूम है जो स्टार्टिंग में रहता है और कंप्रेशन स्ट्रोक खत्म होने के बाद जो वॉल्यूम बचता है उन दोनों का रेशियो को क्या बोलते हैं हम कंप्रेशन रेशियो तो टू स्ट्रोक इंजन में ये कम होता है क्योंकि जब टू स्ट्रोक इंजन में हम लोग जो पिस्टन का यूज करते हैं वो बॉर्न रहता है मतलब थोड़ा टूटा हुआ रहता है साइड से उसके कारण से जो सीलिंग जो है इनकम्प्लीट रहती सीलिंग कम्प्लीट नहीं हो पाती इस कारण से उसका रेशियो कम आता है नेक्स्ट क्वेश्चन इन टू स्ट्रोक साइकिल इंजन द करेक्ट ऑप्शन यहाँ से क्या होगा तो इसका करेक्ट ऑप्शन है कैमशाफ्ट इज नॉट रिक्वायर्ड का काम क्या होता है इनलेट और एग्जॉस्ट पाइप जो होता है उसको ओपन करना बट टू स्ट्रोक साइकिल में ये काम जो है वो पिस्टन ही कर लेता है तो यहाँ पर कैम्प्ट की जरूरत नहीं पड़ती कैम्प्ट की जरूरत कहां पड़ती है फोर स्ट्रोक आईसी इंजन में नेक्स्ट क्वेश्चन द हॉर्स पावर डिलीवर्ड बाई एन इंजन एंड रिसीव्ड एट द एंड ऑफ द क्रक इज नोन एज इसको हम क्या बोलते हैं ब्रेक हॉर्स पावर इंडिकेटेड हॉर्स पावर मतलब जो भी टोटल पावर जो भी पिस्टन के कारण जनरेट हो रही है इंजन में उसको हम क्या बोलते हैं इंडिकेटेड हॉर्स पावर फ्रिक्शनल हॉर्स पावर मीन्स कुछ फ्रिक्शंस जब आईसी इंजन रन करता है तो कुछ जो है फ्रिक्शन लॉस होता है तो उस वजह से जो पावर लॉस हो जाती है एटमॉस्फेयर में उसको बोलते हैं फ्रिक्शन हॉर्स पावर और फिर इंडिकेटेड हॉर्स पावर में से फ्रिक्शनल पावर को अगर माइनस कर देंगे तब आपका आ जाता है ब्रेक हॉर्स पावर जो कि हमको शाफ्ट पर मिलती है और ड्रॉ बार पावर ड्रॉ बार हॉर्स पावर की बात करें तो इट इज द पावर ऑफ अ ट्रैक्टर मेजर्ड एट द एंड ऑफ द ड्रॉ बार मतलब पावर रिक्वायर्ड टू पुल द लोड्स ट्रैक्टर में यूज होता है नेक्स्ट क्वेश्चन पिस्टन इन ट्रैक्टर इंजन आर मेड ऑफ़ द करेक्ट ऑप्शन इज एल्यूमिनियम अलॉय नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट पॉपुलर टाइप ऑफ क्लच यूज इन ट्रैक्टर इज क्लच क्या है एक ऐसा डिवाइस है जो इंगेज करता है ट्रैक्टर इंजन को विद्रांसमिशन गेयर से गेयर को और इंजन को जो जोड़ता है उसको क्लच बोलते हैं तो ट्रैक्टर में कौन सा यूज करते हैं मेनली हम लोग फ्रिक्शन टाइप वाला यूज करते हैं तो फ्रिक्शन टाइप का ये एक, एक और टाइप है मतलब फ्रिक्शन के अंदर ही आता है ये सिंगल प्लेट टाइप नेक्स्ट क्वेश्चन Is with number, anti इस हम लोग देखते हैं द फर्स्ट करेक्ट ऑप्शन इज ए इग्निशन क्वालिटी ऑफ पेट्रोल फ्यूल ऑक्टेन नंबर ना मतलब एंटीनोकिंग सब्सटेंस से रिलेटेड होता है एंटीनोकिंग मीन्स जब हम लोग का इग्निशन दो बार हो जाता है एक तो हाई प्रेशर के कारण और एक स्पार्क के कारण जनरली होना एक बार चाहिए स्पार्क के कारण बट अगर दो बार हो जाए तो उसको हम डिनोट करते हैं एंड नंबर से। नेक्स्ट क्वेश्चन द मैक्सिमम पावर डेवलप्ड बाय एवरेज मैन इज अबाउट द करेक्ट ऑप्शन इज डी जीरो पॉइंट वन हॉर्स पावर नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्रेशन रेशियो ऑफ डीजल इंजन इज तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी ट्वेंटी टू रेशियो वन कंप्रेशन रेशियो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है पिछले क्वेश्चन में और अगर पेट्रोल इंजन का पूछा जाए तो फोर्टीन रेस टू वन होता है नेक्स्ट क्वेश्चन फायरिंग ऑर्डर ऑफ अ फोर सिलेंडर फोर स्ट्रोक साइकल इंजन द करेक्ट ऑप्शन इज सी वन थ्री फोर नेक्स्ट क्वेश्चन बैलेस्ट आर इन रियर टायर ऑफ ए ट्रैक्टर टू बैलेस्ट मतलब क्या होता है जैसे कि कोई भी आ, हम लोग हैवी मटेरियल पुट करते हैं शेप हो गया या हॉट एयर बैलून में ताकि वो बैलेंस बना रहे उसका तो वही बोल रहा बैलें बैलेंस का मतलब वही होता है तो यूज इन रियर टायर ऑफ अ ट्रैक्टर टू इंक्रीज ट्रैक्शन रियर टायर में उसका यूज करते हैं इंक्रीज ट्रैक्शन के लिए और फ्रंट टायर में यूज करते हैं टू मेंटेन द स्टेबिलिटी नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्राफ्ट ऑफ़ प्लाउ विद द हेल्प ऑफ ड्राफ्ट किससे मेजर किया जाता है डायनमोमीटर से वोल्ट मीटर से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस और मीटर से करंट और लैक्टोमीटर से डेंसिटी ऑफ मिल्क मेजर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन Best time for seed drill calibration is the correct option is a before sowing. Next question: Doofy's formula is used for calculating the correct option is a capacity of shaft cutter. Next question: The angle at which mower cutter bar is set to the direction of motion. The correct option is. एटी डिग्री नेक्स्ट क्वेश्चन अ अटैचमेंट इज यूज काउल्टर एक टाइप का मतलब यूज करते हैं एमबी प्लाउ में यूज टू कट स्लाइस फ्रॉम द लैंड मतलब स्लाइस काटने के लिए हम लैंड मतलब जो भी लैंड में हम लोग डिलेज कर रहे हैं उस लैंड में फरोस साइज को स्लाइस काटने के लिए एक अटैचमेंट यूज होता है एमबी में और एक ज्वाइंटर अटैचमेंट भी होता है दोनों ही उसी के लिए काम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देख सकते हैं डिस्क है, प्लाउ का एक डिस्क है और वर्टिकल से जो एंगल बनाता है उस एंगल को बोलते है, एंगल, तो होना चाहिए जब डिस्क प्लाउ जो है वो हॉरिजॉन्टल या फिर बोल सकते हैं डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल मतलब ट्रैक्टर इस साइड ट्रेवल कर रहा है और जो एंगल बना रहा है डिस्क प्लाउ ये वाला तो उस एंगल को हम क्या बोलते हैं डिस्क एंगल तो इसका एंगल होता है फोर्टी फाइव डिग्री फोर्टी टू टू फोर्टी फाइव डिग्री ओके नेक्स्ट क्वेश्चन रेंज ऑफ डेप्थ ऑफ सॉइल ब्रोकन एंड लूजन बाई प्राइमरी टिलेज इक्विपमेंट इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी फिफ्टीन पॉइंट टू टू नाइनटी वन पॉइंट फोर सेंटीमीटर नेक्स्ट क्वेश्चन हीट ट्रांसफर इन लिक्विड एंड गैसेस टेक्स प्लेस बाय। लिक्विड और गैसेस में हीट ट्रांसफर किसके थ्रू होता है कन्वेक्शन के थ्रू और वही सॉलिड कहा जाए तो कंडक्शन के थ्रू नेक्स्ट क्वेश्चन मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट बिकॉज

में, T2 -T1. तो इसको solve करने के लिए पहले आपको जीरो डिग्री सेंटीग्रेड वाटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो उसके लिए आपको लेटेंट हीट का फॉर्मूला लगेगा जो है क्यू इज इक्वल टू मास इनटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन मतलब आइस से जब वॉटर में कन्वर्ट कर रहे हैं तो आपको Heat of fusion use करना पड़ेगा जो कि होता है। है तो तो पे पे हम को हो गया है है? तो पे हम को दिया दिया में में क्या लेंगे अब ये जीरो डिग्री सेंटीग्रेड वाटर आ गया ठीक अब वाटर से इसको हमको हंड्रेड डिग्री सेंटीग्रेड वाटर में ही यूज करना है जब हम हमारा फेस चेंज नहीं हुआ जब हमारा फेस चेंज हो जाता है जैसे आइस से अगर वाटर में चेंज हो गया तो लेट ये इसको क्या बोलते हैं हम लेटेंट हीट बोलते हैं और अगर सेम फेस में है तो इसको सेंसिबल फेस बोलते हैं सेंसिबल हीट बोलते हैं तो इसका फार्मूला होता है Q इज इक्वल टू मास इंटू प्लस टी टू माइनस टी वन ये yes, एस यहाँ पर स्पेसिफिक हीट होता है ओके स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर क्या होता है वन मास भी वन दिया गया है टी टू हमारा क्या है हंड्रेड डिग्री सेंटीग्रेड और टी वन क्या है जीरो डिग्री सेंटीग्रेड तो ये कर दिए तो इसका आंसर आएगा हंड्रेड फिर नेक्स्ट हंड्रेड डिग्री सेंटीग्रेड वाटर को अब हंड्रेड डिग्री सेंटीग्रेड वेपर में चेंज करने है. यहाँ पे फेस चेंज हुआ वाटर से वेपर में चेंज आ गया तो यहाँ पे हम यूज करेंगे लेटेंट हीट वाला फॉर्मूला क्यू इज इक्वल टू एम एल तो एम क्या है वन और यहाँ पे अब अब वाटर से जब वेपर में चेंज करें तो हीट ऑफ वेपराइजेशन यूज करना है ओके तो यहाँ पर क्या आ जाएगा जो होता है फाइव फोर्टी कैलोरी पर ग्राम तो फाइव फोर्टी तो इसका आंसर होगा फाइव फोर्टी फिर टोटल हीट निकाल लेंगे एटी प्लस हंड्रेड प्लस फाइव फोर्टी तो करेक्ट आंसर का आ जाएगा आपका सेवन ट्वेंटी तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी अगर इसमें कोई भी आपको डाउट हुआ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गनल इज ए पार्ट ऑफ गनल किसका पार्ट है एमबी प्लाउ का ठीक गनल मतलब जो साइड ट्रस्ट है ना उसको मेंटेन करने के लिए यूज होता है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन वर्किंग एलिमेंट ऑफ पैडी थ्रेशर इज द करेक्ट ऑप्शन इज सी बाय लूप इसी के वजह से जो भी ग्रेन्स हैं और स्ट्रॉ हैं वो अलग होते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन द पर्पस ऑफ रजिस्ट्रेशन इन अ मोवर इज मोवर मोवर जो है वो कटिंग ऑफ ग्रास में यूज होता है उसमें दो एडजस्टमेंट की जरूरत होती है एक रजिस्ट्रेशन और एक अलाइनमेंट तो रजिस्ट्रेशन का क्या काम होता है टू परफॉर्म इवन जॉब ऑफ कटिंग नेक्स्ट क्वेश्चन द साइज ऑफ सीड ड्रिल इज डिटरमाइंड बाय द द करेक्ट ऑप्शन इज डी नंबर ऑफ फर्दर ओपनर एंड स्पेसिंग बिटवीन देम नेक्स्ट क्वेश्चन इन सीड ड्रिल द फंक्शन ऑफ ड्रैग चेन इज टू ड्रैग चेन का क्या काम होता है टू कवर अप द सीड्स नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच हैज वैल्यू ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी थर्मल कंडक्टिविटी मीन्स एबिलिटी टू कंडक्ट हीट सबसे ज्यादा होती कॉपर, इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी के लिए हम लोग कॉपर वायर का कर यूज करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस एज पर करेक्ट ऑप्शन इज सी सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स मीन्स इसका मतलब है कि जो एंट्रॉपी होती है इन ऑफ द इंटायर यूनिवर्स विल ऑलवेज इंक्रीजिंग इन एन आइसोलेटेड सिस्टम में जो एंट्रोपी है वो हमेशा इंक्रीज होगी और स्पॉन्टेनियस भी होगी ये जो है हमारा कौन सा लॉ है सेकेंड ऑफ थर्मोडाइनमिक्स नेक्स्ट क्वेश्चन मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इन सॉलिड इज द करेक्ट ऑप्शन इज सी कंडक्शन नेक्स्ट क्वेश्चन द डिवाइस यूज टू ट्रांसफर हीट फ्रॉम फ्लूइड टू अनदर इज द करेक्ट ऑप्शन इज सी ही जो मशीन है वो किसके काम आती है हलिंग के मतलब पैडी ग्रेन से हस्क को रिमूव करना तो उसमें जो दोनों रोलर होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट स्पीड में रन करते उनका स्पीड सेम नहीं होता तो इस करेक्ट ऑप्शन होगा ए डिफरशियल ऑप्शन इज डी हायर नेक्स्ट क्वेश्चन द मॉडर्न मेथड ऑफ राइस पैर बॉइलिंग इज द करेक्ट ऑप्शन इज डी ऑल ऑफ द अबो बोथ three methods are used for rice paraboiling next question in thin layer drying depth of grain bed should not exceed exceed range se nahi that is 20 cm next question in a pressure parboiling method the paddy is soaked for nearly 40 minutes at a temperature of

वन टन रेफ्रिजरेशन इज इक्वी वैलेंट टू हीट रिमूवल ऑफ वन टन ऑफ रेफ्रिजरेशन मीन्स रिक्वायर्ड मतलब इज द रेट ऑफ हीट रिमूवल रिक्वायर्ड टू फ्रीज अ हंड्रेड के जी ऑफ वॉटर एट जीरो डिग्री सेंटीग्रेड मतलब वन टन रेफ्रिजरेशन मीन्स इतना अमाउंट ऑफ हीट चाहिए ताकि हम फ्रीज कर सकें हंड्रेड के जी ऑफ वाटर को सॉरी रिमूव कर सके हीट को द करेक्ट ऑप्शन इज बी टू जूल पर मिनट नेक्स्ट क्वेश्चन द प्रोसेस ऑफ हॉटर मूविंग एंड ट्रांसफरिंग हीट टू द कोल्डर सराउंडिंग्स इज कॉल्ड द करेक्ट ऑप्शन इज बी कन्वेक्शन नेक्स्ट क्वेश्चन रबर रोल सेलर इज यूज फॉर रिमूविंग ऑलरेडी डिस्कस दिस क्वेश्चन बिफोर पैडी हस्क नेक्स्ट क्वेश्चन टू रिड्यूस एफ एफ डी ऑल प्रीपेटीचर ह्यूमिडिटी लो टेम्परेचर लो ह्यूमिडिटी लो मॉइस्चर राइस ब्रान में एक एंजाइम होता है लाइपेस एंजाइम जिसके कारण से प्री फैटी एसिड फॉर्म होता है

the correct option is d 85 to 90% rh next question the real, ideal relative humidity for onion storage is the correct option is b 70-75 boiling point of nh3 refrigerant ammonium refrigerant the correct option is d -33.3 degree centigrade next question destoner works on the difference in डेस्टोनर एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि ग्रेन पार्टिकल से स्टोन वगैरह को रिमूव करने में हेल्प करता है इंस्ट्रूमेंट नहीं मतलब मशीन बोलना चाहिए तो ये मेनली कौन से प्रिंसिपल करेक्ट ऑप्शन इज सी स्पेसिफिक ग्रेविटी नेक्स्ट क्वेश्चन आफ्टर पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क इट इज रेपिडली कूल्ड टू द करेक्ट ऑप्शन इज डी टेन डिग्री सेंटीग्रेड और बिलो नेक्स्ट क्वेश्चन Deep bed drying is characterized by the correct option is C. Significant moisture and temperature gradient in different layers. Next question. Best time of harvesting of fruits and vegetables during the day. The correct option is A. Morning. Most suitable method of vegetable blanching is द करेक्ट ऑप्शन इज ए हॉट वाटर Blanching means क्या होता है Scalding vegetables वेजिटेबल्स इन water. अगर बॉइलिंग water में इसमें थोड़ा देर के लिए रख देते हैं तो इससे क्या होता है कि जो enzymatic एक्टिविटी होती है वेजिटेबल्स या फ्रूट्स की वो स्टॉप हो जाती है ताकि जो भी हमारा फ्लेवर है कलर है या फिर टेक्सचर है वेजिटेबल का वो लॉस्ट मत हो एनवायरमेंट में नेक्स्ट क्वेश्चन In an airtight grain storage, insects are killed when the oxygen level falls at about. The correct option is B. 2%. Next question. In which region of the country, kotha type structure are used for the storage? The correct option is A. Northern. Next question. The relationship between E.M.C means equilibrium moisture content and relative humidity for biological material has been given by the correct option is a Henderson next question fill in the blank is done to remove grain grain heat during storage grain heat ko remove karne ke liye kaun use kiya hai, is option mein se? the correct option is c aeration विच ऑफ दॉलविंग इज यूज फॉर हैंडलिंग मिल्क पाउडर ये प्रोसेसिंग का जो भी मशीन है तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बेल्ट कन्वेयर मतलब ट्रांसफर करता है एक मतलब कन्वेयर देखिये ना एयरपोर्ट में जो आप बैग बैगेज को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है वैसे टाइप सेक्स्ट क्वेश्चन डिजायरेबल टेम्परेचर फॉर एपल स्टोरेज ओवर वन ईयर पीरियड इज The correct option is B, minus 9 to minus 2 degree centigrade. Next question, 100 kilos of clean bold paddy would yield, fill in the bank, kg bran. 100 kilo paddy jo hai, kitna kg bran produce karta hai. The correct option is C, 6. Next question, cold process is also known as, correct option is B, freezing. थर्मोडाइनमिक्स प्रॉपर्टीज आर द करेक्ट ऑप्शन इज बी पॉइंट फंक्शन मीन्स ये इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू पर डिपेंड करती है उस पाथ को जो फॉलो करता है उसमें नहीं डिपेंड करता थर्मोडायनेमिक्स की कोई भी प्रॉपर्टी इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी नेक्स्ट क्वेश्चन जीरो थर्मोडायनेमिक्स नेम्स मतलब है with each other. इसका जैसे कोई सब्सटेंस है ए अगर वो इक्विलिब्रियम में है विथ सी के साथ और कोई सब्सटेंस है बी और वो इक्विलिब्रियम है सी के साथ तो बोथ ए एंड बी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे Next question: First law of thermodynamics furnishes the relationship. The correct option is B. Heat, work, and properties of the system. Next question: Heat and work are mutually convertible. Convertible. This statement is called. The correct option is B. First law of thermodynamics. Next question: In g in diesel engine. इन सब में से कौन सा अवेलेबल होता है डीजल इंजन में पूछा गया तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी इंजेक्टर इंजेक्टर का वर्क होता है इंजेक्टिंग लिक्विड फ्यूल इन द आईसी इंजन और कार्बोरेटर का वर्क होता है ये मिक्स करता है फ्यूल और एयर को फॉर द इंटरनल कंबशन इंजन के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन वन हॉर्स पावर इज इक्वल टू द करेक्ट ऑप्शन इज सी सेवन फोर्टी नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन डबलिंग द स्क्रीन डायमी फॉर अ वेल मीन इन एन अनकनफाइंडर दिस्चार्ज इनक्रीज बाई अबाउट एक्वीफर्स मतलब मीन्स जो वॉटर टेबल के अंडरग्राउंड में जो पानी जमा हो जाता है बिटवीन द इनपिनियस लेयर के बीच में दैट इज कॉल्ड एज एक्वीफर्स तो इसका ए टू परसेंट Next question, service life of a well depends on. एक की सर्विस लाइफ कितने किस-किस चीजों किस पर पर डिपेंड करती है? तीनों डिपेंड करता है नेक्स्ट क्वेश्चन रीचेज द ग्राउंड लेवल अंडर द नेचुरल प्रेशर ऑफ द एक्वीफर इज नोन एज मतलब कोई भी पंप वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती ड्यू टू हाई प्रेशर के कारण ड्यू टू हाई प्रेशर इन ग्राउंड लेवल के कारण पानी अपने आप ऊपर आने लगता है natural pressure के कारण, तो इज एप्लीकेबल टू द करेक्ट ऑप्शन इज ए होमोजिन Next question, gravel size used for gravel packing in well development is? The correct option is D, 3 mm to 6.4 mm. Next question, to determine proper filter thickness in a subsurface drainage through model study, appropriate option would be? The correct option is B, analytical model. Next question, Bernoulli's equation is an equation of bernoulli's describe the pressure difference between the two points in a pipe pipe measure be water flow or pressure difference of calculate karne bernoulli's equation use the depend karthe, conservation of energy poise is the unit of viscosity next question what is the hydraulic radius of an open channel for fluid flow

okay next question the equation of motion for laminar flow of a real fluid is known as the correct option is b navier stokes equation next question dimension of manning's roughness coefficient r l minus 1 upon 3t next question for laminar flow in a pipe the value of reynolds number is रेनॉल्ड्स नंबर इज इक्वल टू रो वी एल अपॉन म्यू होता है ना डेंसिटी इनटू वेलोसिटी इनटू हाइड्रोलिक लेंथ अपॉन डायनामिक विस्कोसिटी तो लेमिनार फ्लो के लिए उसकी वैल्यू होगी लेस देन टू टू थाउजेंड से कम होती है अप्रॉक्स लेना है तो अब लेस देन यहाँ पर ऑप्शन में टू थाउजेंड नहीं है तो ट्वेंटी वन हंड्रेड होगा और ट्रांजिएंट फ्लो ट्रांजिएंट फ्लो के लिए क्या होता है टू थाउजेंड से फोर थाउजेंड रेंज के बीच में होती है टर्बुलेंट के लिए ग्रेटर देन थाउजेंड ये वाला ऑप्शन होगा टर्बुलेंट के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द करेक्ट ऑप्शन इज डी प्रेशर फ्लो नेक्स्ट क्वेश्चन द वेट ऑफ ए हॉलो हॉलोस्फिर इज वन थर्टी एट पॉइंट सेवन फोर न्यूटन इफ इट फ्लोट्स in water just fully submerged the external diameter of the sphere is तो यहां पे वेट इज इक्वल टू बॉयेंसी फोर्स के इक्वल होता है तो आपको वेट लेना 138.74 न्यूटन इज इक्वल टू 1000 into 10 पाई अपॉन 6 और डायमीटर का क्यूब तो इसको सॉल्व करने से आपका आंसर आ जाएगा 300 mm

आर इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल इन लेंथ इज इक्वल टू एंगल थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी आर बाई आर इज इक्वल टू वन तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए नेक्स्ट क्वेश्चन वट इज द करेक्ट लेंथ ऑफ ए लाइन विच इज मेजर्ड एज थ्री फिफ्टी मीटर विथ अ ट्वेंटी मीटर टेप टेन सेंटीमीटर टू लॉन्ग मतलब आपको एक चेन दिया हुआ है चेन नहीं मतलब अगर समझ मतलब लो टेपर या फिर कोई भी मेजरिंग सब्सटेंस दिया हुआ है उसमें आपको करेक्शन निकालना है कि मतलब क्या आएगा एग्जाम्पल तो इसका एक फॉर्मूला होता है जैसे ट्रू लेंथ ऑफ चेन मल्टीप्लाइड बाय ट्रू डिस्टेंस इज इक्वल टू रोंग लेंथ ऑफ चेन मल्टीप्लाइड बाय रोंग डिस्टेंस तो यहाँ पे रॉन्ग लेंथ ऑफ चेन निकालने के लिए आपको ट्वेंटी मीटर है और उसमें बोल रहे है कि टेन सेंटीमीटर टू लॉन्ग है मतलब टेन सेंटीमीटर तब ज्यादा है तो उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो पॉइंट वन मीटर होगा तो हमारा आंसर होगा ट्वेंटी पॉइंट वन मीटर तो यहाँ पर ट्रू लेंथ ऑफ चेन होगी ट्वेंटी मीटर मल्टीप्लाई ट्रू डिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना है इज इक्वल टू रॉन्ग लेंथ ऑफ चेन जो है वो ट्वेंटी पॉइंट वन मीटर है थ्री फिफ्टी मीटर इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर ट्रू डिस्टेंस निकल के आएगा थ्री फिफ्टी सेवन फाइव मीटर नेक्स्ट क्वेश्चन चेन इज ऑल्सो नोन एज सर्वेयर चेन द करेक्ट ऑप्शन इज ए गुंटूर चेन सिक्सटी सिक्स फीट की होती है नेक्स्ट क्वेश्चन लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ इक्वल टाइम ऑफ कंसन इज कॉल्ड एज The correct option is A isochrone. Next question multiplying power of the telescope of a theodolite ranges from Correct option B 118 to 30 times its diameter. Next iso heights are correct option is C lines of equal precipitation on maps. Next question hydrograph is a प्लॉट ऑफ द करेक्ट ऑप्शन इज ए डिस्चार्ज एंड टाइम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हाइड्रोग्राफ कौन से ग्राफ को बोलते हैं और के को. जियोलॉजिकल इरोजन नेक्स्ट क्वेश्चन Horton's method is used for determination of the correct option is B infiltration capacity. Next question: Black soil comes under the hydrologic soil group. The correct option is D. Next, in reciprocating pumps, the difference between the swept volume and output per stroke is called the correct option is C slide page. Next question changing the impeller diameter has the same effect on pump performance as changing the the correct option is A speed. Next in a laminar flow region value of friction factor for pipe flow is related to the Reynolds number as follows inversely proportional Valley erosion is the एडवांस स्टेज ऑफ रिल फॉर्मेशन रिल फॉर्मेशन का जो एडवांस स्टेज होता है उसको गली रोशन बोलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फ्लड रूटिंग इज यूज फॉर फ्लड रूटिंग एक प्रोसीजर है डेटरमाइन करने के लिए टाइम एंड मैग्नीट्यूड ऑफ फ्लो मतलब जो भी पानी का फ्लो है उसको डेटरमाइन करने के लिए फ्लड रूटिंग यूज करते हैं हम एक ग्राफ बनाते हैं जो हाइड्रोग्राफ बोल सकते हैं जिसको तो क्या क्या चीजों के लिए यूज होता है फ्लड फोरकास्टिंग फ्लड प्रोटेक्शन डिजाइन ऑफ रिजर्वायर्स करेक्ट ऑप्शन इज डी ऑल ऑफ द अबो नेक्स्ट इफ लैंड स्लोप इज डबल द पार्टिकल ट्रांसपोर्टेशन कैपेसिटी विल इंक्रीज द करेक्ट ऑप्शन इज सी टू फाइव बाई टू टाइम्स नेक्स्ट पर्पज ऑफ लॉन्जिट्यूडनल सेल्स ऑफ ड्रॉप स्ट्रक्चर इज The correct option is B to make apron stable. Next, the most suitable equipment for well drilling in hard rocks areas is The correct option is C down the hole area rotary drilling. Next question, the minimum slope required for the land irrigated with surface method of water application is The correct option is B 0. 0 next, a hand pump is classified as the correct option is c, positive displacement pump. Jo hand pump generally villages we use karte villages, under aata hai? positive displacement pump. next question, water level in a tube well is 100 meter below ground level. what should be the minimum power required to lift the water at the rate of 5 liter? पर सेकेंड इस क्वेश्चन का आप सॉल्व करिएगा तो आंसर आएगा फाइव किलो वॉट नेक्स्ट क्वेश्चन लिक्विड एंटर्स इनटू टू ए सेंट्रीफ्यूगल पंप थ्रू द पंप्स आई आई के थ्रू लिक्विड अंदर जाता है सेंट्रीफ्यूगल पंप में एक्सियल फ्लो पंप इज आल्सो नोन एज प्रोपेलर पंप हाइड्रोलिक रैम इज यूज्ड फॉर द करेक्ट ऑप्शन है डी बोथ ए एंड बी लिफ्टिंग वाटर फ्रॉम लो लेवल टू हाई लेवल लिफ्टिंग वाटर इन हिली रीजन दोनों के लिए काम आता है ऑफ वॉटर नेक्स्ट क्वेश्चन मेजर एरिया ऑफ सॉल्ट अफेक्टेड सॉइल्स इज फाउंड इन सॉइल कैटेगरी ऑफ द करेक्ट ऑप्शन अफेक्टेड कहा होता है क्योंकि सॉल्ट तो uh, वगैरह में प्रेजेंट होते हैं वो सरफेस में आ जाती है तो गुजरात में सबसे ज्यादा सॉल्ट अफेक्टेड एरिया पाया जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन कंटूर बॉर्डर आर लेड द करेक्ट ऑप्शन इज बी अक्रॉस द लैंड स्लोब नेक्स्ट क्वेश्चन इफ़ द डिस्चार्ज ऑफ ड्रेनेज कैनाल इज थाउजेंड लीटर पर सेकेंड एंड ड्रेनेज एरिया इज थ्री सिक्सटी हेक्टेयर द ड्रेनेज कोफिशेंट विल बी थाउजेंड लीटर पर सेकेंड है और ये थ्री सिक्सटी हेक्टेयर है मतलब इसको अगर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो थ्री सिक्सटी इंटू टें पावर फोर पूरा फॉर्मूला में पुट करके निकाल सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन what are the dimensions of the constant of proportionality in darcy law? the correct option is a, lt minus 1. next, reciprocating pump can build a pressure up to. the correct option is a, 700 kg per centimeter square. next question, the highest specific speed is of. the correct option is c, axial flow pump. next question. Removal of air by filling the pump with water is known as. The correct option is C, priming. Next question. Specific speed of a pump is given by. The correct option is D. Next question. What is the minimum recommended size diameter of a tile drain in mm? The correct option is B, 100 mm. Next question. What can be the best irrigation water measuring method for border irrigation? The correct option is D. Partial plume. Kostiakov equation estimates infiltration capacity and cumulative infiltration. Next question: Which of the following instruments does not measure fluid flow rate? The correct option is B. Piezometer. Next question What is the annual precipitation received in India? The correct option is D 4000 billion cubic meter. Next, field capacity generally ranges between 1 by 10 to 1 by 3 atmospheric pressure. Generally minus 1 by 3 at एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बीच में होता है फील्ड कैपेसिटी ये हाइग्रोस्कोपिक है स्ट्रेंथ ऑफ बॉर्डर्स फॉर इरिगेशन इन मीडियम लोम सॉइल शुड बी द करेक्ट ऑप्शन इज सी 100-180 मीटर नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्रोप्रिएट ग्रीन हाउस कवरिंग मटेरियल द करेक्ट ऑप्शन इज अस्फाल्ट शीट ये तीनों यूज होते हैं कौन सा यहाँ पे पूछे नॉट तो यहाँ होगा एसफॉल्ट शीट नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर प्लास्टरिंग एंड एक्सपोज्ड ब्रिक वॉल द सीमेंट सैंड रेशियो शुड बी द करेक्ट ऑप्शन इज सी वन रेशियो फोर नेक्स्ट क्वेश्चन थिकनेस ऑफ डैम्प प्रूफ कोर्स डीपीसी पी ग्राउंड लेवल शुड बी नेक्स्ट द करेक्ट ऑप्शन इज बी फोर डैश सेंटीमीटर Next question. The basic purpose of a greenhouse is to control all of the above. Temperature, humidity and light. Reynolds number for groundwater flows varies from the correct option is A below 1. Next question. An area of 400 hectare is draining at the rate of 4 QMAC. What is the drainage coefficient of the area? इसको निकालने के लिए एक दिन का आपको पहले निकालना पड़ेगा मीन्स फोर मल्टीप्लाइड बाई ट्वेंटी फोर आवर्स होते हैं इंटू थर्टी सिक्स हंड्रेड सेकेंड्स होते हैं डिवाइडेड बाय फोर हंड्रेड इंटू टेन टू दावर फोर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए तो आपका आंसर आ जाएगा एट पॉइंट सिक्स फोर सेंटीमीटर नेक्स्ट क्वेश्चन लैपलेस इक्वेशन यूज फॉर सीपेज एनालिसिस इज वैलिड फॉर द करेक्ट ऑप्शन इज ए आइसोट्रोपिक आइसोट्रोपिकॉइल नेक्स्ट क्वेश्चन बल्क डेंसिटी ऑफ एन एग्रीगेट इज थाजी पर मीटर क्यूब एंड पार्टिकल डेंसिटी इज फिफ्टीन हंड्रेड के जी पर मीटर क्यूब द पोरोसिटी ऑफ एन एग्रीगेट इज पोरोसिटी का फॉर्मूला होता है हंड्रेड माइनस बी डी अपॉन पी डी तो उस फॉर्मूला से आप कैलकुलेट कर लीजिए द करेक्ट ऑप्शन इज बी Next question. An aquitard is an any geological formulation within the earth of a less permeable bed for groundwater flow. Bed for groundwater flow. Next question. Dimensions of transmissibility of is L2T minus 1. This is power. Right? Sorry, I have typing Next question: Thickness of gravel pack in tube wells usually varies from 8 to 15 centimeter. Keeping the hydraulic properties of the aquifer constant, how much will the increase in tube well yield by doubling the tube well diameter? increase Eleven percent. Next question: Average flow velocity in rivers and canals occurs at the depth of the correct option is B, 0.6 diameter from the free surface. It's a printing mistake. Sorry for the trouble. Next question. A dimensionless number obtained by combining a characteristic length, fluid velocity and acceleration due to gravity is known as the correct option is C, fraud number. Next question. Which fluid property relates dynamic and kinematic viscosities of a given fluid? The correct option is A. Density. Next question. Blasius equation for friction factor F for turbulent flow in a pipe in. The correct option is B. Next question. The difference between the flow depth after and before the hydraulic jump is called as. Height of the jump. Next question. The dimension of Chase's constant r. The correct option is d. M0 l1 upon 2 t minus 1. Next question. Hydraulic radius of a circular pipe is. The correct option is b. d by 4. Next question. Angle of a hill slope could be measured by. The correct option is C. Clinometer. Next question. Which of the following characteristics is not attributable to contour lines for a hill? The correct option is D. Closed contour lines on a map with the lowest value in the middle. Next question. Which of the following statement is not correct for contour lines? The correct option is A. Contour lines never meet. Next question. The volume of water that can be released by gravitational effect from a unit volume of an aquifer is its specific yield. Next, the most efficient and widely used method of land grading is the correct option A. Least square method. Next question. Recommended contour intervals for land slopes ranging from 1 to 2 percent. The correct option C. 15 to 30 centimeter. Next question. Fixed reference point of known elevation. The correct option C. Benchmark. Next question. Line of sight through a leveling instrument is called as करेक्ट ऑप्शन ऑफ कॉलिमेशन नेक्स्ट क्वेश्चन इन सॉल्टेशन प्रोसेस ऑफ सॉइल मैनेजमेंट द मूवमेंट टेक्स प्लेस इन द फॉर्म ऑफ सॉल्टेशन एक विंड इरोशन का टाइप है तो उसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी लव बाउंस ओवर द लैंड सर्फिस नेक्स्ट क्वेश्चन Hydrological cycle is a continuous unending water transformation in the atmosphere. Next question. Which is not a kind of soil water? The correct option is A. Hygroscopic water. This soil is closely bound and plants be available in the Hygroscopic water. Next question. What is reduced in sprinkler irrigation? The correct option is D. All of the above.

रिटेनिंग वि ऑप्शन बी अर्थ नेक्स्ट स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट कॉन्क्रीट डिपेंड्स प्राइमरली ऑन द करेक्ट ऑप्शन सीमेंट रेशियो नेक्स्ट क्वेश्चन रेपिड हार्डनिंग सीमेंट कंटेन्स द करेक्ट ऑप्शनिस बी ट्राई कैल्शियम सिलिकेट थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो होप वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर कर दीजिए स्टे हेल्दी एंड सेफ